हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। आइए शुरू करते हैं। जब सूरज बड़जात्या 16 साल के थे, तभी वो तय कर चुके थे कि उन्हें फिल्म मेकर बनना है। इसके पीछे की एक मुख्य वजह उनकी पिछली पीढ़ियों का फिल्म मेकिंग बिजनेस में होना था। उनके दादा ताराचंद बड़जात्या ने राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की नींव रखी थी। खैर, सूरज ने अपनी पढ़ाई छोड़ी और महेश भट्ट को असिस्ट करने लगे। साथ साथ में एक स्क्रिप्ट भी लिखते रहे। पूरी होने पर अपने पिता राजकुमार बड़जात्या को दिखाया। राज साहब ने कहा, ये अभी नहीं, पहले अपनी उम्र के हिसाब से कोई और फिल्म बनाओ। ये कहते हुए राज साहब ने सूरज को राजस्थानी लोक कथा की एक लाइन सुनाई। उन्होंने कहा, एक बंजारा अपनी बेटी को अपने दोस्त के पास छोड़कर कमाने जाता है। जब लौट कर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी की इंसल्ट हो रही है। अब सूरज को इस स्टोरी लाइन के ऊपर एक फिल्म की कहानी लिखनी थी। ये स्क्रिप्ट लिखने में सूरज को 10 महीने का वक्त लगा। इसके बाद ही इस फिल्म पर काम शुरू हो गया। फिल्म का नाम रखा गया मैंने प्यार किया। 29 दिसंबर 1989 को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने एक ऐसे स्टार को जन्म दिया जो अपनी फिल्म की रिलीज के 31 साल बाद भी देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। हम बात कर रहे हैं सलमान खान की। मगर सलमान को ये फिल्म मिली कैसे? '86 में पीयूष मिश्रा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई कर रहे थे। वो थर्ड ईयर में थे। अचानक एक दिन डायरेक्टर मोहन महर्षि ने उन्हें अपने चेंबर में बुलाया। वहां राजकुमार बड़जात्या पहले से बैठे हुए थे। थोड़ी बातचीत के बाद पता चला कि राजकुमार बड़जात्या अपने बेटे सूरज की पहली फिल्म के लिए हीरो की तलाश कर रहे हैं। राज साहब ने पीयूष को अपना कार्ड देते हुए कहा, आप राजकमल मंदिर आइएगा और मुझसे मिलिएगा। मगर पीयूष मिश्रा वहां कभी नहीं गए। इसके बाद एक्टर फराज खान को मैंने प्यार किया के लिए साइन कर लिया गया। मगर फिल्म की शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले फराज की तबीयत खराब हो गई और उन्हें इस फिल्म से अलग होना पड़ा। 4 नवंबर 2020 को एक्टर फराज खान का निधन हो गया। वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। ऐसे में उनके हॉस्पिटल बिल्स की जिम्मेदारी सलमान खान ने उठा ली थी। फिल्म की लीडिंग लेडी के लिए मॉडल शबाना दत्त ऑडिशन दे रही थी। सूरज ने उनसे पूछा कि उनकी नज़र में कोई एक्टर है क्या। शबाना ने कहा कि उन्होंने हाल ही में सलमान खान नाम के लड़के के साथ एक एड फिल्म शूट की है, उसे ट्राई कर सकते हैं। सूरज ने सलमान को फ़ोन कर ऑडिशन के लिए बुलाया। सूरज बताते हैं कि उन्होंने सलमान को पहली बार अपने ऑफिस के रिसेप्शन पर बैठे हुए देखा। अगर सूरज के शब्दों में कहें तो एक साधारण सा दिखने वाला दुबला पतला लड़का सिंपल शर्ट और जीन्स में बैठा हुआ था। दोनों की मुलाकात हुई मगर सूरज कुछ खास इंप्रेस नहीं हुए। उन्हें सलमान बहुत पतले लग रहे थे। जब कोई भी नया एक्टर किसी डायरेक्टर से मिलने जाता था तो अपनी तस्वीरें साथ लेकर जाता था। सलमान ने भी अपनी फोटो सूरज को दिखाई। सूरज ने वो फोटोज देखकर सलमान को अपनी फिल्म में कास्ट करने के बारे में पहली बार सोचा, मगर वो श्योर नहीं थे। एक दिन वो सलमान का काम देखने फिल्म बीवी हो तो ऐसी के सेट्स पर पहुंचे। इस फिल्म में रेखा, फारूक शेख, कादर खान और बिंदु के साथ सलमान भी एक छोटा सा रोल कर रहे थे। अपनी फिल्म के सेट पर सूरज को देखकर सलमान बड़ी गर्मजोशी से मिले, मगर सूरज ने उन्हें बताया कि उनकी कास्टिंग अभी फाइनल नहीं हुई है। ये सुनते ही सलमान सूरज को दूसरे एक्टर्स का नाम बताने लगे जिन्हें वो मैंने प्यार किया में कास्ट कर सकते हैं। इसी चीज़ सूरज को बड़ी अजीब लगी और कहीं ना कहीं इसी चीज़ ने उन्हें सलमान को कास्ट करने पर मजबूर कर दिया। कई राउंड स्क्रीन टेस्ट ऑडिशंस हुए। इतने सब के बाद सलमान खान को लीड रोल में उनके करियर की पहली फिल्म मिली। इस फिल्म के लिए सलमान खान को 31,000 रुपये मिले थे, जिसे फिल्म की अपार सफलता के बाद बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया था। बाद में सलमान और सूरज ने मिलकर शबाना को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो उन्हें कभी मिली ही नहीं। इससे जुड़ा एक और किस्सा सुनिए। सूरज को अपनी पहली फिल्म का हीरो तो मिल गया था मगर हीरोइन वाला मामला अभी भी अटका हुआ था। मैंने प्यार किया बहुत बड़े लेवल की फिल्म नहीं थी, इसलिए सूरज इसमें किसी नई हीरोइन को ही कास्ट करना चाहते थे। मगर सूरज की भीतरी इच्छा इस फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट करने की थी। श्रीदेवी तब तक मिस्टर इंडिया और नगीना जैसी फिल्मों की बदौलत सुपरस्टार बन चुकी थी। खैर, इस फिल्म में देश भर में हीरोइन की तलाश चल रही थी। राजकुमार बड़जात्या अपनी फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढने इलाहाबाद जा रहे थे।
बात यह तय हुई थी कि अगर इलाहाबाद में काम नहीं बनता है तो सूरज चेन्नई निकलेंगे, क्योंकि उन दिनों श्रीदेवी चेन्नई में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। सूरज ने अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कर रखी थी, वो सुबह चेन्नई निकलने वाले थे। राजा साहब की ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, उन्होंने वहीं से सूरज को फोन कर कहा कि वो अपना चेन्नई वाला प्लान एक दो दिन के लिए पोस्टपोन कर दे, क्योंकि उनके सामने एक मैगजीन रखी है जिस पर भाग्यश्री पटवर्धन नाम की एक लड़की की फोटो छपी हुई है। राजकुमार बड़जात्या को वो फोटो देखते हुए लगा कि ये लड़की उनकी फिल्म के लिए परफेक्ट है। भाग्यश्री सांगली के राजा श्रीमंत राजा साहेब विजय सिंह राव माधव राव पटवर्धन की बेटी। भाग्यश्री मुंबई में एक्टर अमोल पालेकर के बगल वाले घर में रहती थी। एक दिन अमोल पालेकर ने उन्हें छत पर देखा और अपनी टीवी शो कच्ची धूप में कास्ट कर लिया। बहरहाल राजकुमार बड़जात्या भाग्यश्री के पिता को जानते थे। वो उनके घर पहुंचे और भाग्यश्री को अपनी फिल्म में कास्ट करने की बात कही। राजा साहब फिल्मों को बहुत बोल्ड प्रोफेशन मानते थे, मगर जैसे तैसे वो मान गए और सूरज को उनकी फिल्म की हीरोइन मिल गई। बताया जाता है कि भाग्यश्री ने मैंने प्यार किया के सेट पर पहली बार जीन्स और वन पीस गाउन जैसे वेस्टर्न परिधान पहने थे। आमतौर पर वो चूड़ीदार पजामे और कुर्ते ही पहना करती थी। अगला किस्सा सलमान और मोनीश बहल से जुड़ा हुआ है। सलमान सीरॉक होटल के जिम में जाते थे, वहीं उनकी मुलाकात मोनीश बहल से हुई थी। कुछ ही दिनों में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। सलमान जब कहते कि उन्हें एक्टर बनना है तो मोनीश उनकी बात को मजाक में उड़ा देते। मोनीश को लगता कि वो इतनी बढ़िया कदकाठी के बावजूद जब सफल नहीं हो पाए तो ये पतला दुबला सलमान क्या हीरो बनेगा। तब तक मोनीश बैक टू बैक 5 से 6 फ्लॉप फिल्में देकर लुट पिट चुके थे। मैंने प्यार किया में हीरो हीरोइन के अलावा एक थोड़ा नेगेटिव सा किरदार भी था। जब सलमान की कास्टिंग फाइनल हो गई तो उन्होंने सूरज से पूछा कि क्या फिल्म के विलन की कास्टिंग हो गई। सूरज ने कहा कि अभी तो नहीं हुई। सलमान लौटकर मोनीश से मिले और बताया कि उन्हें लीड रोल में एक फिल्म मिली है। साथ ही उन्होंने मोनीश से कहा कि वो उनके लिए भी बात करके आए हैं, अगर वो विलन का रोल करने में इंटरेस्टेड है तो जाकर ऑडिशन दे सकते हैं। मोनीश की हालत मरता क्या ना करता वाली थी। वो ऑडिशन देने गए, बात बन गई, उन्हें जीवन के रोल में कास्ट कर लिया गया। ठीक इसी समय ताराचंद बड़जात्या को पता चला कि मोनीश एक्ट्रेस नूतन के बेटे हैं। अब वो पशुपेश में पड़ गए। मोनीश ताराचंद बड़जात्या के यहाँ से अपने घर लौट कर आए। उन्होंने नूतन से सारी बात कह दी। नूतन दिग्गज एक्ट्रेस थी, उन्हें देखकर लोग सम्मान से खड़े हो जाते थे। नूतन ने ताराचंद बड़जात्या को फ़ोन मिलाया और कहा, मेरे बेटे को इसलिए पनिश मत करिए क्योंकि वो मेरा बेटा है। उनके कहने का मतलब था कि मोनीश को विलन का रोल करने दीजिए। ताराचंद जी नूतन की बात को मानने से मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने उनकी बात को माना और उनसे एक वादा किया। उन्होंने कहा कि वो आगे मोनीश को ज़रूर अपनी फिल्म में पॉजिटिव और लीड रोल में कास्ट करेंगे। खैर, मैंने प्यार किया कि शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म के बनने के दौरान किसी को नहीं पता होता कि इसका टिकट खिड़की पर क्या हश्र होने वाला है, इसलिए फिल्म की शूटिंग के साथ साथ मोनीश अपनी जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग जारी रखे हुए थे। फिल्म करियर डूबता देख मोनीश ने अपने पायलट बनने के सपने पर काम करना शुरू कर दिया था। 29 दिसंबर 1989 को रिलीज़ हुई मैंने प्यार किया बहुत बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म से जुड़े किसी भी व्यक्ति को इस बात का ज़रा भी आइडिया नहीं था कि कुछ न्यूकमर्स को लेकर बनी मैंने प्यार किया हिंदी सिनेमा इतिहास की इतनी सफल फिल्म बन जाएगी। सलमान और भाग्यश्री रातों रात सुपरस्टार बन गए। मोनीश का इमेज मेकओवर हो गया। वो फ्लॉप हीरो से देश के सबसे चर्चित विलन बन गए। अब हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में विलन का रोल देना चाहता था। अगला किस्सा भी सुनिए। मैंने प्यार किया बड़ी पारिवारिक टाइप की फिल्म थी। फिल्म में एक किसिंग सीन होना था मगर भाग्यश्री इसके लिए तैयार नहीं थी। बाद में यह सीन सलमान और भाग्यश्री के बीच एक शीशा लगाकर फिल्माया गया। फिल्म के एक सीन में भाग्यश्री के टखने पर बाम लगाने से पहले सलमान खान का आंखें बंद कर लेना तब भी मजाक का विषय बना था और आज भी है। मगर मैंने प्यार किया उसी तरह की फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई तो कुछ प्रमोशनल फोटोशूट्स हो रहे थे। इसमें सलमान खान और भाग्यश्री हिस्सा ले रहे थे। पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू में भाग्यश्री ने बताया कि वो फोटोग्राफर सलमान के साथ उनकी एक सो कॉल्ड हॉट फोटो निकालना चाहता था। वो फोटोग्राफर सलमान को एक किनारे पर लेकर गए और कहा, जब मैं कैमरा सेटअप करूंगा तब तुम उसे पकड़कर स्मूच कर लेना। बकौल भाग्यश्री वो फोटोग्राफर दोनों एक्टर्स के नए होने का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि तब स्मूचिंग सीन्स इतने आम नहीं थे। जब फोटोग्राफर और सलमान बात कर रहे थे तो भाग्यश्री उनके पास में ही खड़ी थी मगर दोनों को इस बात की भनक नहीं थी।
भाग्यश्री बताती हैं कि फोटोग्राफर के ऑफर का जवाब देते हुए सलमान ने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, अगर आपको ऐसा कोई पोस्ट चाहिए तो आप भाग्यश्री से खुद बात कर लीजिए। सलमान के इस जवाब को सुनकर भाग्यश्री को लगा कि वो वाकई अच्छे लोगों के साथ काम कर रही है। इंटरेस्टिंग बात ये कि मैंने प्यार किया की शूटिंग के दौरान भाग्यश्री प्यार में थी। वो अपने स्कूल टाइम के बॉयफ्रेंड एक्टर हिमालय दसानी के साथ रिलेशनशिप में थी, मगर इस बात की जानकारी सिर्फ सलमान को थी क्योंकि वो कई बार भाग्यश्री के लिए हिमालय का मैसेज लेकर सेट पर आते थे। जब मैंने प्यार किया बहुत बड़ी हिट हो गई तो हर फिल्म मेकर सलमान और भाग्यश्री की जोड़ी को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था, मगर फिल्म की रिलीज के कुछ ही समय में भाग्यश्री ने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ हिमालय से शादी कर ली। मंदिर में हुई इस शादी में सलमान और सूरज के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी शामिल नहीं था। आगे हिमालय और भाग्यश्री कैद कैद में, त्यागी और पायल जैसी फिल्मों में साथ नजर आए। मैंने प्यार किया कि अपार सफलता के बाद सलमान स्टार बन गए थे, मगर वो खुद बताते हैं कि अगले 6 महीने तक उन्हें किसी ने कोई काम ऑफर नहीं किया। इसके बाद उनके पिता सलीम खान ने एक सिनेमा मैगजीन में फर्जी खबर छपवाई कि हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले गुड लुकिंग एक्टर को एक बड़े प्रोड्यूसर ने साइन किया है। 90 के दशक में इस तरह की ट्रिक्स आम बात थी। इसके बाद सलमान के पास फिल्मों की लाइन लग गई। मराठी फिल्मों के सुपरस्टार लक्ष्मीकांत बेर्डे की पहली हिंदी फिल्म थी मैंने प्यार किया। फिल्म में उन्होंने मनोहर नाम का रोल किया है जो बेसिकली फिल्म का कॉमिक रिलीफ था। सूरज बताते हैं कि लक्ष्मीकांत वो इकलौते स्टार थे जिन्होंने मैंने प्यार किया में काम किया, बाकी लोग इस फिल्म के बाद स्टार बने। आगे लक्ष्मीकांत और सलमान ने साजन और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में साथ काम किया। मैंने प्यार किया में राम लक्ष्मण का बनाया साउंड ट्रैक बहुत पसंद किया गया था। सूरज बड़जात्या अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये गाना राम लक्ष्मण ने तब कंपोज किया था जब उनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे। उन्होंने 20 साल तक अपना ये गाना किसी को नहीं दिया, मगर मैंने प्यार किया के लिए वो ये गाना देने को तैयार हो गए थे। 35वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में मैंने प्यार किया को कुल 12 कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला। इसमें से फिल्म ने 6 अवार्ड्स जीते। ये रिकॉर्ड विक्ट्री थी, तब तक इतने फिल्मफेयर अवार्ड्स किसी फिल्म ने नहीं जीते थे। 1995 में आई शाहरुख खान काजोल स्टारर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने सलमान की फिल्म का ये रिकॉर्ड तोड़ा। DDLJ ने 10 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते थे। फिलहाल ये रिकॉर्ड संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक के नाम है जिसने 11 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते थे। मैटिनी शो के आज के एपिसोड में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें लल्लन टॉप। हमारी ओर से आपको और आपके परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।